मैं कंडेम्ड करती हूं। आप उनको कंडेम करें, आप उनकी बेइज्जती करें जो बाहर बैठे हैं, जिनके आप नुमाइंदगी करते हैं और गेटों को ताला लगाते हैं। उस वक्त आप गेटों को ताला नहीं लगाया जब आपको अरबों रुपए यहां इस असेंबली से मिले। आप कहां थे उस वक्त? आप कहां थे उस वक्त जब यहां इस असेंबली में आप इस तरफ की बातें करते थे? जब उस तरफ गए तो गेटों पे ताला लग गए। वाह जी वाह, ये दिस इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये माल कृषि है, ये पैसा कृषि है। जनाब स्पीकर, जिस तरह से बलूचिस्तान एक रवायत है, उसकी एक कबायली रवायत है, उसका पामाल इन्होंने किया। एक इतने बड़े इंसान जो वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम, जो खुद एक स्टेट के मालिक, जिन्होंने अपना मन धन पैसा बना दे के पाकिस्तान को भी बनाया, उनका भी हिस्सा था, उनकी भी बेइज्जती की। आप कमाल करते हैं, आप उनसे कहें कि उनका अपनी जिनकी अगर कोई इज्जत हो, फिर मैं बताऊं, बहुत बेइज्जत हैं तो उनकी मैं क्या बात कर सकती हूं। नहीं, दिस इज नॉट एफ, गलत बात, कोई गलत बात नहीं है। आपके अल्फाजों में, आपके अल्फाजों में तशरीफ रखें। When I talk, please be quiet. आपको कौन कह रहा है? हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको कौन कह रहा है? Who is talking to you? We are talking of our Balochistan. Please sit down. Just please be seated. जूते फेंक रहे होते हैं तो सब चीज नहीं होती है। जब just listen to what I'm saying. पटेल साहब आप तशरीफ रखिए please. I'm sorry, you have to listen. Lucky are we that we are sitting here. हम बिल्कुल हकीकत से बाहर हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं। आप क्या आए? आप बलूचिस्तान में आए, देखें आप, हम इस गवर्नमेंट के मशकूर हैं, बिल्कुल मशकूर हैं, जिन्होंने आज बलूचिस्तान, हाँ इस बात को मैं साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ने साउथ बलूचिस्तान को उन्होंने फंड्स दिए और बलूचिस्तान को कुछ फंड्स उन्होंने इस बजट में रखा। मगर हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, कि वुमन एम्पावर कैसे हो। हम सिर्फ डिस्क बजाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, या कंडेम करने, या बातचीत करने, या बहस करने। अगर हमें यहाँ पे बिठाना है और हमारे वोट इक्वल हैं, जिस तरह मर्दों के साथ मर्दों के वोट इक्वल हैं, हम औरतों को भी उसी तरह फंड में भी साथ देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। किसने करप्शन की है? क्या औरतों ने की है कि उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे? कल को यही, क्या ये खवातीन जो बैठी हैं, ये जाकर वोट नहीं मांगती? ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। यही खवातीन घर घर जाती हैं। तो मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को इस बात पे, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट और खान साहब से, खान साहब की तो एक नज़र थी कि मैं चेंज लाऊंगा, इसीलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनका साथ दिया। हम बलोच अपने रवायात में कायम हैं, हम बलोच अपनी औरतों को इज्जत देते हैं। तो आप भी मेहरबानी करके इस बालाए ऐवान में अपनी ख्वातीन को इज्जत दें। हमें अपने बलूचिस्तान के हमारे लोगों ने हमें भेजा है कि हम उनकी आवाज बने।
हम अपनी आवाज ऊंची करें और बोलें, मगर एक नेशन होके, चाहे हम उस पार बैठे हों या इस पार, बलूचिस्तान के लिए हमें एक आवाज होके बात करनी है और बलूचिस्तान को इस फोरम में और इस वक्त में, ये वक्त की जरूरत है कि बलूचिस्तान को अब टाइम हो गया है, बहुत हो गया, बलूचिस्तान को आगे लाना है। बलूचिस्तान को स्कूल के मसाइल, बलूचिस्तान के पानी के मसाइल, बलूचिस्तान के हेल्थ के मसाइल, बलूचिस्तान के रोडों के मसाइल, बलूचिस्तान के गैस के मसाइल, जो वहां से निकलता है और कश्मीर तक जाता है। अब जब गैस कम हो गए, वो प्लांट्स की जो हम बात कर रहे थे, वो कहां गए जो पिछली हुकूमत ने मान लिए थे, या इस हुकूमत में उसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। तो मेहरबानी करके स्पीकर साहब, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लिखें और इस पर इंक्वायरी करें कि क्यों ये एलपीजी प्लांट्स जो है, ये क्यों हर डिवीजन में नहीं लग रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग रहे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगने थे हर बलूचिस्तान में। यहाँ पे इट सीम्स दैट वी आर फ्रॉम अ लेसर गॉड। बलूचिस्तान के लोग, हमारा भी वही खुदा है जो आपका है, हम उसी खुदा, एक कुरान, उसके नबी पे हम यकीन करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। मगर हमें ट्रीट इस तरह किया जाता है जैसे हम कोई अछूत हैं, सेकंड क्लास सिटीजन, व्हिच वी आर नॉट। वी आर बेटर, आई थिंक वी आर मच बेटर। We gave Pakistan to everybody here, sitting here. आप बलूचिस्तान के मशहूर हों। पाकिस्तान की बनने में बलूचिस्तान बनी। I am not here to repeat history. Inequality, आप जो हैं यहाँ पे जो हम अपनी बात करते हैं कि वी आर सप्रेस्ड, व्हाई वी आर सप्रेस्ड, क्यों मिलिटेंसी की बात होती है, क्यों वहां पे दहशतगर्दी की बात होती है, क्यों लोग उस तरफ रागिब होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों का पेट भरना है, उनके पास नौकरी नहीं होती, उनका एक ही मसला है, इकोनॉमिक। आप उनको नौकरियां दें, बजाय कि नौकरियां छीनने से, उन्हें नौकरियां दें और ओनरशिप दें अपनी चीज की। वो कल अपनी जमीन पे बैठे हुए, आप आकर उन्हें कहते कि नहीं, ये आपकी जमीन नहीं है, ये कहां का इंसाफ है जनाब स्पीकर? आई डोंट थिंक सो। बलूचिस्तान, और मैं इस बात की भी कंडेम्ड करती हूँ को, हमें यहाँ पे 22 करोड़ लोगों का के नुमाइंदे हम बैठे हुए, हमें चाहिए एक बर्दाश्त का मादा अपने में पैदा करना। जिस तरह हुलिज्म यहाँ पे हुआ, मैं तो समझती हूँ, मैंने आज तक 4 मर्तबा, ये मेरी 4th मर्तबा है पार्लियामेंट्स में, इस तरह का मैंने बिहेवियर कभी नहीं देखा। दिस इज दहशतगर्दी, टेररिज्म इसे कहते हैं। किसी बहन की आंख, किसी भाई का नाक, किसी गार्ड को जख्मी जो आज तक ड्यूटी पे नहीं आ सका। हमें चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, एक मिसाल बने, मगर हम 22 करोड़ लोगों की बेमिसाल बन गए उनमें। उल्टा हमें फोन आते हैं कि इस तरह से यू बिहेव, हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि मॉम दिस इज द वे यू बिहेव,
parliamentarians behave this way. So I think we all should. ये national integrity की जो बातें हम करते हैं, where is our national integrity? It is impossible. It is impossible without justice. और आप equal rights जब हर province को देंगे, तो national integrity खुद ब खुद यहाँ पे इस मुल्क में आ जाएगा. बलूचिस्तान के साथ एक और ब्लफ्ट चीजें भी बहुत होती रही हैं जनाब स्पीकर. फेडरल पब्लिक कमीशन, पब्लिक फेडरल जो कमीशन है वहां पे जॉब्स आती हैं, वो एडवर्टाइज्ड होती हैं, और जब एडवर्टाइज होती हैं, जब बलूचिस्तान के लोग जाते हैं वहां पे जॉब ही नहीं है. इसकी तो आप इंक्वायरी करा लें प्लीज. जनाब स्पीकर, I need your attention here. Please, आप इस फेडरल, मैं आप ही को सुन रहा हूँ जी. ये फेडरल जो कमीशन है, पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशन है, इसकी इंक्वायरी तो आप जरूर करवाएं कि ये जो बलूचिस्तान के जॉब्स हैं, ये एडवर्टाइज होते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसकी प्लीज आप कह दें. वाइंड अप प्लीज जी, मैडम सर. मैं वाइंड अप करती हूँ जनाब. अभी तक तो मैंने 2 मिनट भी मुझे नहीं हुए. प्लीज just a minute, I'll just finish with one page, please. आपकी स्पीच में जो आपने जिस पैराए में बात की थी कि बेइज्जत उसको एक्सपंज किया जाता है जी. About what? ठीक है जी, चलें. It's all right. हम वैसे ही, चूंकि मैंने स्पीच मंगाई है, चूंकि उस जो पैराए था तो उससे मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब right, नहीं है. think, तो आप ऑनरेबल मेंबर right. हैं, जो किसी के बारे में चाहे कोई एमपी हो, एमएनए हो, तो मैं समझता हूँ right. ये सब right, के लिए आनर की बात है. और ऐसे अल्फाज जो है हम अपनी जो, जो मैं समझता हूँ. It's all right, जनाब स्पीकर. I don't have any objection on it. Thank you जी. I don't have any objection. मगर आप इसकी इंक्वायरी कराएं और ये जो फेक डोमिसाइल्स पे आते हैं बलूचिस्तान के, ये प्लीज, ये हमें खा गए, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को. दिस नीड टू बी सीन एंड इंश्योर्ड बाय दिस नेशनल असेंबली कि हमारे कहां पे ये जॉब्स चले गए. और दूसरी बात, ये जो एहसास प्रोग्राम है, जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग थे, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये खत्म हो गए. हजारों लोग जॉबलेस हो गए हैं जनाब स्पीकर. इनको वापस रिवाइव करें, वापस एहसास प्रोग्राम के ये जो लोग हैं, इनको वापस, जो कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म हो गया, इनको वापस रिवाइव कर लें प्लीज. कम से कम वो उनके बच्चे इस गवर्नमेंट को याद करेंगे. दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अगर मैं फिर से बलूचिस्तान की मैं बात करूं, तो ये मेरा हक बनता है. कौमें जब तक अपने हक और हुकूक की बात नहीं करें और जो मसाइल हैं उनको उजागर नहीं करें, वो कौमें मर जाती हैं. मैं अपने बलूचिस्तान की आवाज, यहाँ पे बैठे हर बलूचिस्तानी जो यन सीटों पे बैठा हुआ, मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी ये अपील करती हूँ, खुदारा हमें आप डिप्राइव ना करें. बलूचिस्तान इस वक्त आपने सीपैक बलूचिस्तान को दिए, मगर मैं सीपैक के रोड्स नहीं देखती. कराची, चमन टू कराची हाईवे, मेरा घर कलात में मेन रोड पे है, जो हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ पे मेरे भाई आगा महमूद शाह भी बैठे हैं, वो भी कलात के हैं, जो आए दिन इमरजेंसीज में लोग वहाँ पे मरते हैं, मगर वहाँ पे अस्पताल, इमरजेंसी रूम्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स तो बहुत दूर की बात है. आज वेंटिलेटर ना होने की वजह से आज मेरा भाई,
मेरा एक सेनेटर कुलीग जो अल्लाह को प्यारा हो गया, सेनेटर उस्मान काकड़ साहब, जो सन ऑफ द सॉइल थे, जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी, चाहे पश्तून हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान, किसी से सबसे बालातर होकर वो सब की बात करता था। मगर आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज हमारे लिए एक और कम हो गया जो हमारी बात था। हम महरूम हो गए उस भाई के साए से। तो जनाब स्पीकर, आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग, इनकी आवाजें कम होती जा रही हैं और आवाजें बंद होती जा रही हैं। इन आवाजों को कम होने ना दें। बलूचिस्तान की आवाज और बलूचिस्तान के हक हुकूक की बात मैं इस फोरम से मांगती हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मांगती हूँ, क्योंकि हकीकत में इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, हम उनके अलाइज हैं। यहाँ पे बैठे तमाम जो सूबे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जिस तरह 3 फेडरेटिंग यूनिट्स में आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिवनेस आ गई है, हम भी उठ रहे हैं उस प्रोग्रेस की तरफ, मगर हमें सहारा फेडरल की का चाहिए। यू मस्ट हेल्प बलूचिस्तान टू गेट अप, एंड दिस वी नीड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। एंड आई होप जनाब स्पीकर, जिस तरह से यहाँ पे क्रिटिज्म होती है डिफेंस बजट की, मैं समझती हूँ हमारे डिफेंस बजट में इससे डबल देना चाहिए था, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को तो वही हमारे लिए सेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम नाले या गली बनाने के लिए इस यहाँ पे ये कानून साज असेंबली है। बजट उनको मिलना चाहिए जो इंसान की हिफाजत करे, और अल्लाह के बाद हमारी फौज हमारी हिफाजत करती है। प्लीज वाइंड अप जी। आई विल जस्ट वाइंड अप, बट लेट मी से समथिंग टू दिस नेशन। लेट्स बी अ नेशन, एंड फॉर अ नेशन वी शुड हैव अ वॉइस, एंड दैट वॉइस शुड बी आज, वन वॉइस वन वर्ड। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया।